please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मुद्दे के साथ एक बार फिर जुड़ते हुए आज का सवाल ये था कि रोज रोज चर्चा में रहता है फिर भी बदहाली के लिए फटकार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और जो सवाल ये था कि ताजमहल पे जिस तरह की बदहाली है उसी को लेकर फटकार लगाई और यही आज चर्चा का विषय है, यही हमारा आज मुद्दा है जिसको हम लेकर आए थे। सवाल ये था कि रोज रोज चर्चा फिर भी बदहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार, क्या ताजमहल राजनीति का हो गया है शिकार, यही सवाल था। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद, लेकिन जनता के बीच में जाएंगे, जनता के सवाल, लेकिन कोई भी नारेबाजी नहीं होगी साहब। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संरक्षण देना हमारे पुरातत्व विभाग का ये काम है कि जो भी मारते हैं उनको संरक्षण दे, हाँ। और जहां भी अवैध कब्जे हैं उनको हटा करके, हाँ। इसी से हमारे इतिहास का पता लगेगा, हमारा इतिहास कितना पुराना है, हम उसे मिटाएं ना। हमें इतिहास को मिटाना नहीं है, जी संरक्षण देना है, उनको संरक्षण देना है इतिहास का, और इतिहास के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। अवैध कब्जे हैं इन्हें हटाया जाए। जी, ताजमहल हमारे देश की प्रमुख धरोहर है, उस पर आज तक कभी नहीं सवाल उठा। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, एक मोदी जी की इतनी ब्रांडिंग पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा हो गई कि अन्य पार्टियां बिल्कुल उनसे सहम गई हैं, उनको सत्ता में नहीं देखना चाहती हैं किसी भी हाल में, कोई भी पार्टी किसी को, उनको पता है मतलब इमारत तक हिल गई है। हाँ बिल्कुल, हर पार्टी की इमारत न्यू तक बिल्कुल हिल गई है, हाँ। उनको पता है कि अगर मोदी जी रहेंगे तो हमारी पार्टी का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ताजमहल पहले से खराब होना शुरू हुआ था, हाँ। आज से नहीं हुआ है, चार साल के अंदर जो न्यूज दे रही है, हाँ। आज पहले क्यों नहीं आई इसके बारे में, बिल्कुल आज क्यों शुरू हुआ कि भैया? सवाल ये है कि ये हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये भी बात था। उन्होंने कहा कि उपले नहीं जलाए जाएंगे, लोग जो डाटा है उसमें कहा कि कार्बन की जो परत है वो उपले ना जलाए जाएं, वो भी किया गया, लेकिन अभी भी कार्बन के धूल के कण जो राजस्थान से आते हैं वो तमाम सारे चीजें हैं जो सम्मिलित कारण बनते हैं बदहाली के लिए। जी सर, आज के टाइम पे ऐसे ऐसे आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं जो आज से 5 साल पहले तक थे भी नहीं। जी जी बिल्कुल, लेकिन सर जब से भाजपा की सरकार आई है और मुझे पता नहीं कि कांग्रेस को और वो को क्या गया है बीजेपी से कि वो लोग इतना सहम गए हैं कि वो बस मौका खोज रहे हैं, क्योंकि इन 4 साल में ना कोई स्कैम हुआ सर, ना ही कोई ब्लास्ट हुआ, तो इनके पास में मौका है ही नहीं इनको डिफेम करने का। क्या नाम है आपका साहब? अक्षित। अक्षित, आप बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से सवाल पूछा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां के रहने वाले हैं? रांची के। बहुत अच्छी बात है। जी 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 सर, मेरा सवाल है कांग्रेस से सीधा सीधा, 44 लाख की पॉपुलेशन वाला देश क्रोएशिया आज वर्ल्ड कप के फाइनल में और हम दूसरे देशों के लिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते 135 करोड़ पे आ गई है, 135 करोड़ पे आ गई है, और हम लड़ किसके लिए रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक छोटा सा आदेश दिया है कि ताजमहल में कुछ थोड़ा बहुत हुआ है, ये कहाँ तक लेके जाएंगे? आज जब बीजेपी, देखो मैं बीजेपी या किसी पार्टी का, तुमने कांग्रेस का नाम क्यों लिया पहले? सर 60 सालों में नहीं, उनके आबादी से क्या लेना देना कांग्रेस का? सिंपल सी बात, अगर इन्होंने पॉपुलेशन में कंट्रोल करने की नीति अपनाई होती, इन्होंने बनाई थी एक बार, और जब बनाई तो ऐसा पलटा खाई थी कि याद ही नहीं होगा, इनको बहुत अच्छी तरह से याद है। जी जी, इन्होंने बनाया था एक बार, इनसे पूछो बताएंगे, एक बार हुआ था इमरजेंसी, तब तुम्हारी पैदाइश नहीं, तुम्हारी पैदाइश के पहले की बात है। जी जी जी, मैं कश्मीर से हूँ, मैं कल ही 5 बार ताजमहल, कश्मीर से हैं, सवाल पूछ रहे हैं। जी जी, मैं 5 बार ताजमहल जा चुका हूँ, 5वीं बार कल ही ताजमहल। बहुत खूबसूरत इंसान है, आपको जाना भी चाहिए साहब। जी सो मच, मैं कल ही ताजमहल से आ रहा हूँ, बाहर से बहुत खूबसूरत लगते हैं, जो ही अंदर जाते हैं तो पूरा कालापन, वो ब्राउनिश सेन सब कुछ वो दिखाई दे रहा है, वो हरे एरिया, हाँ उसके एरिया में कीड़ा, वहाँ पे एक खास कीड़ा है गोल्डी, वो चमक रहा है उसकी इमारत में, और उसकी विसिनिटी में जो भी होटल्स हैं बाकी से, उसमें पानी इतना खारा आ रहा है कि बॉडी पे लगती झलन हो। वो तमाम कारण हैं, मैं एक एक बात कहना चाहता हूँ, वो बहुत सारे कारण जो चर्चा में बने, उसने इमारत के संरक्षण का तो काम किया नहीं, उनको गलत कारणों से चर्चा में लाए, कभी कोई कहता है मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, और वो गलत कारण ऐसे चर्चा में रहे कि ताजमहल का जो हालात है उसमें वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी देखिए प्रतीक जी,
विश्व हिंदू परिषद या संघ कभी भी आप ये समझे कि मात्र हिंदुओं की बात करता है, ऐसा नहीं है। हम पूरे देश पूरी बात पूरे देश की बात करता है, उसमें देश में हमारी नदियाँ, हमारे स्मारक, हमारे लोग सभी आते हैं। जी। आप यकीन मानिए, हम ताजमहल की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए और ताजमहल एक राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। बस हमारा इतना कहना है, अगर हम कोई बात कहते हैं उसका हिंदू मुसलमान के मामले में गलत अर्थ ना निकालिए। हमने मात्र ये कहा, देखिए मैं एक इतिहास का प्रोफेसर हूँ, मेरा ये भी कहना है कि उसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। और कोई संगठन मान लीजिए अगर कोई दावा करता है, उसमें कुछ नीचे कमरे बंद हैं, जैसे कुछ तहखाने बंद हैं, ASI को चाहिए उन तहखानों को खोलें, उनको मजबूत करें, ताज की नींव मजबूत करें। और अगर कोई रहस्य है, अगर कोई रहस्य है तो जनता के सामने आने में कोई रहस्य नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। आप बोल बोल के उसमें रहस्य पैदा करते हैं, कोई रहस्य नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। जी देखिए, मेरा कहना एक मिनट, एक मिनट, कोई रहस्य नहीं है। आप जिधर इशारा कर रहे हैं, मैं उसका नाम लूंगा नहीं, मैं उसका नाम लूंगा नहीं, आप गलत तरह से इशारा कर रहे हैं। मेरा कहना ये है, अभी हमारी बहन बात कर रही थी बीजेपी की प्रवक्ता, हमारा देश और पाकिस्तान में अंतर क्या है। पाकिस्तान वो देश है जिसका ना वर्तमान है ना इतिहास है जी। लेकिन उन्होंने भी हमसे सीखा। आज अडवाणी जी की भले कोई कदर ना हो, जब अडवाणी जी चकवाल पाकिस्तान गए, उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री को मार्गदर्शक मंडल में है। लेकिन सर मेरे मुझको भी कहने दीजिए ना, उन्होंने वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बताया कि चकवाल का जो ये मंदिर है, कतरास मंदिर, ये वह मंदिर है जहाँ शिव के आंसुओं से सरोवर बना है। और आपने इसका ये हल कर रखा है, आपको मालूम होना चाहिए आज पाकिस्तान के अंदर पुष्कर के बाद कतरास मंदिर की हालत ये है कि विश्व भर के हिंदू वहाँ पहुँच रहे और पाकिस्तान की आय का, टूरिज्म का सबसे बड़ा चिंजो है वो मंदिर बन गया है। इतिहास को समझिए, हरमंदर साहब, हरमंदर साहब क्या था, आज हरमंदर साहब का लंगर जो है वो यूनेस्को कह रहा है कि इससे सीखिए, आप सीखिए इतिहास से। मुझे सख्त विरोध है मौलाना साहब की बात का। पाकिस्तान जैसा निकम्मा देश तो पूरे विश्व में नहीं हुआ, लेकिन आप अभी बताइए हो गया, नहीं कोई संरक्षण नहीं हुआ। सीखने की चीज हो तो सीख लेना चाहिए, सीखने की चीज हो तो सीख लेना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, पाकिस्तान का नाम मत लीजिए, पाकिस्तान का नाम मत लीजिए, पाकिस्तान तो हमारी दुखी उड़ा है। आप बात ये बताइए, अफगानिस्तान में सिखों को मारा गया अभी, अफगानिस्तान में तो नहीं भी कहा मौलाना ने, आप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। एक चीज इनसे, इन सब से हटके मैं एक बात कहता हूँ, आप सब लोग भी सुनिएगा। 67 करोड़ रुपए की आमदनी पिछले 3 सालों में हुई है केवल टिकट बेच के। सिर्फ 11 करोड़ रुपए ताज के ऊपर खर्चे हुए हैं, 67 और 11 26 करोड़ रुपए सालाना आमदनी होती है। जी मैं ऐड करूंगी, इन्होंने गिराया 67 करोड़ आए। आप देखिए कितना फॉरेन करेंसी भी हमारे देश में आ रहा है क्योंकि टूरिस्ट आता है देखने, और कितने युवा जो आज बेरोजगार बैठे हैं। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, कुछ नौकरियां उधर से भी बन जाती, इसी का ध्यान रख लो, कम से कम हमारे भाई बहन बच्चों को नौकरी तो मिलेगी। और बात ये है सिंपल सी, गंगा सफाई हो चाहे ताजमहल की रक्षा करना हो, रिलीजन से ऊपर उठिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है कि रिलीजन से ऊपर उठिए, और उनको अपने नेताओं को, चाहे गिरिराज जी हो चाहे साक्षी महाराज हो, सबने ताजमहल को लेकर धर्म से संबंधित टिप्पणियां करी है, जिसके ऊपर आज तक प्रधानमंत्री जी ने कोई सवाल नहीं। आज इन्होंने एक बात कही कि तमाम सारे जो लोग हैं इनके यहाँ नेता हैं, और उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया कि वो बहुत सारी टिप्पणी करते हैं। आज आप भी टिप्पणी कर रही थी सुबह, पहले जब बहस शुरू हुई, धर्म से ऊपर उठना घड़ियाली कांग्रेस से कोई सीखे, जिस तरीके से तुष्टीकरण करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति सांप्रदायिक की। मैं केवल इनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या ये शशि थरूर के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? भारत भारत पाकिस्तान बनेगा मोदी साहब से पहले, उस देश में खुले में हर युवा को रोजगार दे, भारत शमशान नगर पाकिस्तान बनेगा। 2019 में अगर मोदी जी आते हैं, क्या ये शशि थरूर के बयान से इत्तेफाक रखती हैं? क्या ये वार्षिक दिग्विजय सिंह ने जब कहा कि हिंदू आतंकवाद, जब वो बोलते हैं चिदंबरम, जब हिंदू शिंदे जब हिंदू आतंकवाद बोलते हैं, कांग्रेस की मानसिकता हिंदू विरोधी है, हिंदुओं को अरे बलात्कार तो आपके आईटीआर वाले करते हैं, सोशल मीडिया वाले आपके बलात्कार करते हैं। कहाँ से बात कहाँ तक पहुँचा दी, देखिए कहाँ से बात चली और कहाँ तक पहुँचती चली गई। जी अब आप उसमें कोई बढ़ाइएगा मत, बिल्कुल मत बढ़ाइएगा, क्योंकि बहस वहाँ नहीं है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, खासकर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जिस प्रकार ताजमहल पर आंसू बहा रही है, चलिए हम तो ताजमहल के साथ है, राष्ट्रीय धरोहर कोई इंकार ही नहीं है,
क्या कांग्रेस ने कभी किसी हिंदू स्थल के ऊपर कभी इस तरह चिंता जाहिर की? आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे अरे डॉक्टर साहब, अभी आप कितनी अच्छी बात कर रहे थे, अब आप ही ने इनको हिंदू मुसलमान कर दिया, आप ही ने कर दिया इनको ही जवाब। इनको ही जवाब। देश के पहले प्रथम शिक्षा और संस्कृति मिनिस्टर कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और पहली जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई पुराने किले में हुई, और किस तरह हुई? कौरव पांडव के काल से उसको शुरू किया गया, जहां साहित्य कला परिषद, ललित कला एकेडमी, सोमनाथ मंदिर बनाया जाए, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। तो अरे वो भी देश की धरोहर है, ये भी धरोहर की धरोहर है। आप तो कहिए जो काम, जो हम तो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, आप मोदी जी के काम पर कमी डाल रहे हैं। धरोहर है, हमने कहा धरोहर है, हमने सिर्फ ये कहा। लेकिन आपने कहा कांग्रेस मंदिर में आंसू बहाए, सच्चाई है। अरे वाह, अभी आप धरोहर कहते हैं, अभी धरोहर कहते हैं और अभी कहते हैं आंसू बहाए जाए। आज सुप्रीम कोर्ट को फटकार इसीलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि ये सोच है सरकार की, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई, जब तक ये सरकार इससे ऊपर नहीं उठेगी इस देश का भला नहीं होगा। आप ये बताइए, इनसे पूछिए, कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर है, हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है, कभी कांग्रेस राहुल गांधी चिंता जाहिर की? राहुल गांधी को बुखार आ जाता है ताजमहल के नाम पे, भाई क्या दिक्कत है? क्या बात, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं आप देखिए कांग्रेस देखिए ताजमहल नहीं, देश की चिंता करते हैं सब मिलके। ये जो बातें हो रही है, कंबोडिया अमेरिका को छोड़िए, इस देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, इस देश के खंडन किया जब आजम खान कहते हैं कि पहला हथौड़ा योगी मारे, 10,000 मुस्लिम समर्थक लेके पांच को गोरूंगा, क्या कांग्रेस? जाना हमें पहले आराम एक बार, पहले पानी आपको पिलाते हैं। क्या होता है मैं बताऊं, होता क्या है, कभी कभी उधर की बहस आदमी पे चढ़ जाती है और वो बिल्कुल भूत की तरह होती है। आप पानी पीजिए, आप आराम से, आराम तहसील, आराम। महेशनाथ गोस्वामी है जी, महेशनाथ गोस्वामी मेरा कहाँ के रहने वाले हैं जनाब? आगरा के रहने वाला हूँ, सागंज में रहता हूँ, आगरा के रहने वाला हूँ। ताज महल को आगरा के लोग कोसते हैं, 10,00,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। मथुरा, आगरा, भरतपुर, धौलपुर 200 किलोमीटर के दायरे में जितनी फैक्ट्री थी पूरी खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। बोलो कहाँ जाएंगे, चूड़ियों का काम, कांच का काम कहाँ आएगा? हम क्या ताजमहल का पूजेंगे? कबर देखेंगे? हर बार में ताली बजाइए, हर चीज में ताली नहीं। इसका सलूशन सरकार को निकालना था। जो ताज ट्रेपेजियम था उसमें उसने कहा कि हम नया उद्योग नहीं लगने देंगे, नहीं चलने देंगे। सवाल ये था कि जो चल रही थी उनको रीलोकेट करने के लिए सरकार ने क्या किया, ये सवाल था। मैं आपके बेरोजगारी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन यह सवाल सरकार का था। ये जी आपका मैं इस पर दो चीजें, पहली चीज तो ये कि जो भी लोग देखिए, आप तो आवत से आते हैं, आप जानते हैं कि जब कहत पड़ा तो वाजिद अली शाह ने वहाँ इमामबाड़ा बनवाया जी। तो लोग क्या कहे, जिसको न दे खुदा उसको दे आसिफुद्दौला, जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। इसी तरीके से जब काशी विश्वनाथ की तामीर हुई, मुसलमान मजदूर भी थे, सबको मिला। हमारा कहना ये है, जो भाई सुन लीजिए मेरा कहना ये है, अरे भाई सुनो, हमारा कहना ये है कि हमारी जितनी धरोहर है, ताज हमारी धरोहर है, सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, हमारा कहना है ताज ही क्या, वहाँ लगी हुई जमुना है, वहाँ लगे हुए अलग अलग मंदिर और चीजें। मौलाना, वहाँ पे यमुना में पानी कब हो गया? वहाँ पे कीड़ा बनता है, वही कीड़ा जो इमारत पे चमकता है। मैंने आपसे कितनी बड़ी बात की, दो चीजों को नुकसान लगातार पहुँच रहा है। एक, अजमेर के गुम्बद को किसी मुसलमान मुफ्ती ने फतवा दिया कि इतनी बड़ी भीड़ जमा होती है, गुम्बद को नुकसान पहुंच रहा है। उसी तरीके से आज की रिपोर्ट, मेरी एनजीटी की रिपोर्ट है कि स्वामी अमरनाथ के लगातार नुकसान पहुंच रहा है, इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। हम आस्था के नाम पे धरोहर और अपने इतिहास को खुद खत्म करना चाहते हैं जी। ये सवाल है, ये बड़ी बात है। मैं मौलाना का स्वागत करता हूँ। हमने आपसे पहले ही कहा ताजमहल राष्ट्रीय धरोहर है, उसकी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी होना चाहिए सरकार को करना चाहिए। हमने कांग्रेस से सवाल मत पूछिए ना, हमने आप गलत सवाल कांग्रेस से पूछते हैं, कांग्रेस से पूछना हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है। गलत सवाल ना, देखिए कांग्रेस की नीयत पे कभी नीयत साफ नहीं दी कांग्रेस की। कांग्रेस हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान बनाती है, क्या समझते हैं? बिल्कुल, क्या समझते हैं? जमुना जी, राष्ट्रीय धरोहर है। इनके राष्ट्रवाद और मेरे राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। सुनिए, इनको मालूम होना चाहिए, आर्काइव के अंदर जाइए, सारे मुगलों का एक ही ऑर्डर है आखिरी मुगल बादशाह तक के शहर की गंदगी की एक बूंद भी जमुना में नहीं जाएगी। पर आपने क्या करा, जमुना को नाला बना दिया आपने। देखिए एक बात कही, सिर्फ
जनता की आवाज मत रोकिए। आप अभी उनको रोक रहे थे ना। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार। उसको रोकना, गैर जिम्मेदार अगर बयान है तो उसको रोकना फर्ज है, सरकार का फर्ज है जी। गैर जिम्मेदार नहीं, हमारा नहीं, लेकिन गैर जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारा यह है कि उसको सामने लाना, मेरा हक है कि उसको सामने लाया जाए। वक्त है छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है मुद्दे के साथ फिर से जोड़ते हुए। सवाल आज का था ताजमहल पे जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, उसी पे मुद्दे पे आज हमारे जो मेहमान एक बार मौजूद हैं उनसे मैं एक बार फिर आपका तारुफ करा दे जो बहस में लगातार बने हुए। दीपिका शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, राधिका खेड़ा हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, मोहम्मद मौलाना अतार हुसैन देलवी साहब चेयरमैन अंजुमन मिनाज रसूल हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, और सर्वेश तिवारी पत्रकार हमारे साथ लगातार इस बहस में बने हुए हैं। सवाल यह था कि जनता ने कुछ सवाल उठाए, जनता ने भी कुछ कहा, और एक बात ये कही कि ताजमहल को लेकर परेशानियां हैं और वहां पर उद्योग धंधे, क्योंकि वहां पर बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि उस ट्रेपेजियम के अंदर जो दायरा है वहां पर नहीं लग सकते, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संजीदगी के साथ और बहुत सख्ती के साथ भी कही कि वहां पे नए उद्योग नहीं लग सकते, इसके बारे में कोई परमिशन नहीं दी जा सकती। जी जी, मेरा सवाल है आज का इशू है मोहब्बत की इमारत के ऊपर जी, तो बेहतर है डिबेट मोहब्बत पे ही रहे। हमारी बहन राधिका जी बीजेपी से जो आई हुई है वो डिबेट को शुरू में चेंज कर दिया उन्होंने। अगर डिबेट को चेंज करना होता तो गिरिराज सिंह के बयान के ऊपर ले जाके डिबेट कर लेती, जिन्होंने ये कहा था ये जो मुकदमा लगा है ये फर्जी मुकदमा प्रशासन ने फंसाया है। क्या प्रशासन को पाकिस्तान से आके मुकदमा लगा गया? भारतीय जनता पार्टी सरकार के रहते हुए जिन्हें 11 लोगों को फांसी की सजा हुई है वो कोई बाहर से आके सजा देके गए? वो हमारे कानून के ऊपर और जजों के ऊपर नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, भाजपा की बात कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल है बहन जी से खुले तौर पे, मोहब्बत की बात है, मोहब्बत के ऊपर बात रखी जाए आज की डिबेट, मोहब्बत से बांधा भटकाया जाए जी, मोहब्बत पे ही बात रखी जाए। मेरा मानना तो यह है प्रोफेसर साहब से भी है कि ये ना मोहब्बत का, ये इतिहास का है, और जिस मुल्क की जिस जगह का इतिहास गायब हो गया तो उसका तो सब कुछ गायब हो जाएगा। अगर आपके वालिद का, आपके दादा का नाम भूल गया तो आप पंडित या प्रोफेसर कुछ भी नहीं रहेंगे। तो आप हिंदुस्तान की ये एक धरोहर है, हिंदुस्तान का इतिहास है, इस पे करें। और यहाँ पे बीजेपी ने तो दो चीजें कर दी हैं, एक ही सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान का था एकता, उसी को तोड़ने पे लगी है, हिंदू मुस्लिम और कुछ भी नहीं रहा। जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि हम इतिहास जो हमारा है उस पे हमें गर्व है, और उसको उस पे चोट मत पहुँचाइए। भाई किसने कहा, हम तो आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि ताजमहल राष्ट्रीय धरोहर है, हम तो ये कहते हैं कि उसकी पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। चौक चाहे 10 करोड़ लगे, 100 करोड़ लगे, किसी भी सरकार को, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ताजमहल की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए, पूर्ण उसका संवर्धन होना चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा आप इसको हिंदू मुसलमान मुद्दा ना बनाएं। पहली बात हमने सिर्फ ये कहा अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वहाँ नमाज पढ़ने से उसको नुकसान होता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पहले पूरी बात होने दीजिए, इस पर हमने कहा चर्चा होनी चाहिए, हमने कहा आप नमाज बंद कर दें। इस पर चर्चा से मीडिया क्यों भागता है? पहली बात उन्होंने कहा नमाज बाहर वाले नहीं पढ़ेंगे आगरा के, तो उन्होंने कहा मना कर दिया, तो उस पर चर्चा होनी, मीडिया चर्चा करे ना, मीडिया चर्चा से क्यों भागती? दूसरा मुद्दा, अगर कोई संगठन कोई संदेह व्यक्त करता है, मैं कहता हूँ उसे समाधान होना चाहिए, लोकतंत्र है, इससे भी मीडिया क्यों भागता? संदेह कौन सा संदेह है आपको? पहले संदेह दूर कर देते हैं आज, कौन सा संदेह? इस देश में हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, नहीं हाँ या ना है, है ना? हाँ। तो जो अभी आपने कहा था जिम्मेदार गैर जिम्मेदार बात होती है, लेकिन देश का कोई भी नागरिक, कोई भी संगठन अगर कोई बात कहता है तो उसको आप प्रोफेसर यू हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसके बाद मुझसे बोला मत बोले, भाई का जवाब दे रहा हूँ जी। वो कहता है कि एक शहनशाह ने बनवा के ये हंसी ताजमहल। इश्क इंसान को इंसान बना देता है, किसकी हिम्मत है जो मोहब्बत से इनकार करे? आज तकदीर में ये रात सुहानी है, एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। हम हिंदू सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, मेरे महबूब यही मिला कर मुझसे, तो जिससे मोहब्बत की होगी। 3 लाख कश्मीरी पंडित जब तक अपने घर वापसी नहीं लौटेंगे, मोहब्बत की बात नहीं हो सकती। आपने भेजे हमने, प्रदीप भाई मैं प्रोफेसर साहब से एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि बार बार वो 3 बातें कह रहे हैं और फिर वहीं पे 3 बातों पे आ रहे हैं, और फिर बाद में हमारे भोजपुरी में कही जाता है, भोजपुरी में कही जाती है कि पंचायती तो मान रहा हूँ लेकिन खूंटा वही गड़ेगा, तो बात वही हो रही है। हमें देश की बात करें, अगर प्रेम की बात है तो इस देश को आगे ले जाने के लिए हम सबको एक होना है।
दूसरी बात, ये एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, पूरी दुनिया ने सबसे ज्यादा वोट दिया था ताजमहल को, हर चौथा आदमी आके ताजमहल देखता है भारत का, और हम आज यहाँ पे वकालत करें कि क्या है कि नहीं है। अब वजूद पे सवाल हो गया है, वजूद पे सवाल हो गया। मैं आ रहा बीजेपी कांग्रेस में लौटता हूँ, वक्त है थोड़े से ब्रेक का। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है कनॉट प्लेस में मौजूद मुद्दे के साथ, और आज बात था, बात थी कनॉट प्लेस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार को, खासतौर से ताजमहल को लेकर, और यही मेरा सवाल था जिसको कि हमने रखा था, रोज रोज चर्चा फिर भी बदहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार, क्या ताजमहल राजनीति का हो गया है शिकार? आप इस सवाल को अभी भी जाके जवाब दे सकते हैं, एट प्रतीक टीवी यानी ट्विटर पे आप इसका जवाब दे सकते हैं। जी मैं आया बाबूजी आपके पास जरूर आऊंगा। जी इधर से कौन बोलना चाह रहा था? जी 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 जी, हम लोग बिहार से आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में हम लोग का मैटर चल रहा है जी, और बार बार जो है डेट पे डेट लिया जा रहा है, उस पर उचित फैसला नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, और उसमें हम लोग का काफी पैसा, वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया मुझे मालूम है कि वो न्याय जब बहुत देर लगती है तो उसमें बहुत खर्चीली हो जाती है, मैं जानता हूँ। जी 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 ठीक जी, आपके व्यक्तित्व को देखकर, टीवी पर देखकर, आपको फर्स्ट टाइम आपको देखने आया हूँ। अगर देख लिया आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सवाल यह था कि आज आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई उसके बहुत सारे निहितार्थ थे, उन्होंने कहा कि चर्चा जरूर है, सवाल यह है कि उसको कैसे निखारा जाए, कैसे उसकी बदहाली रोकी जाए। जी सबसे पहले जो बहुत जरूरी है, ये सरकार को समझना, सरकार को समझना पड़ेगा कि जो उन्होंने वादे की है, जिस चीज पे ये सरकार की नींव रखी गई है, चाहे वो गंगा की सफाई हो और अपनी हमारी हेरिटेज की रक्षा करना, सुरक्षा करना, हमारे इतिहास को बनाए रखना, लेकिन बातों से ये देश नहीं चलता, बातों से ताजमहल नहीं बचेगा। आप कागजी शेर बनके नहीं दहाड़ सकते, आपको असली शेर की तरह दहाड़ना पड़ेगा मोदी जी, और ताजमहल की सुरक्षा करनी पड़ेगी, और खुद भी और अपने नेताओं को भी सिखाना पड़ेगा। सिर्फ गुड मॉर्निंग अगर उनको नहीं बोली तो मोदी जी नाराज हो गए, अब तो उनके खुद के मंत्री और उनके नेता उनकी नहीं सुन रहे और बार बार ताजमहल को बुरा भला कह रहे हैं। प्रेम का प्रतीक है, हम उसके लिए बहुत संरक्षण के लिए काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, परंतु आपका प्रोग्राम आखिरी पड़ाव पे आ गया, कांग्रेस से ये उत्तर नहीं मिला कि शशि थरूर के बयान से क्या वो इत्तेफाक रखते हैं, हिंदू क्या आतंकवादी है, तुष्टीकरण की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति, ये कांग्रेस हिंदू समाज को बांटने वाली है। अजी शशि थरूर कहाँ से आ जाता है? मौलाना जी मैं आपसे पूछती हूँ, शशि थरूर ने कहा भारत हिंदू पाकिस्तान बनेगा, हिंदू पाकिस्तान बनेगा, अरे एक बार हिंदू तो कर दो, आप भी भारत के निवासी हैं, आप भी भारत के निवासी हैं। हो गया आपका, हमारा सीधा ये कहना हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से इसकी तुलना करना भी अपने आप में अपमान है। बिल्कुल, भारत हिंदुस्तान बात खत्म। एक चीज हमेशा हम सबको देखना है कि धर्म बचाने के बदले धर्म को फॉलो करने वालों को बचाया जाए, मैं बार बार ये कहता हूँ, उस पर कहीं फोकस नहीं है। आप लोग हर कोई धर्म बचा के और धर्म फॉलो करने वालों को लड़ाने का काम करते हैं, वो बंद कीजिए। ये हमारा एक ही बार बार आपसे फिर ये कहना है, ताजमहल राष्ट्रीय धरोहर है, उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी सरकार को, चाहे भाजपा हो कांग्रेस को, लेकिन आप देखिए एक थोड़ा सा राजनीतिक दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शशि थरूर का नाम लिया, मौलाना साहब समर्थन में आ गए, मैंने कोई समर्थन, ये देखिए कितनी बड़ी दिक्कत है। आप क्यों बचाओ में आए शशि थरूर से क्या संबंध है आपका? शशि थरूर ने बेहद निंदाजनक बयान दिया है, शशि थरूर ने जो बयान दिया उसकी जितनी भर्त्सना होनी चाहिए उतनी कम है। आप मैंने साफ बोला गलत है। आप खुद ही हिंदू मुसलमान एंगल देते हैं, बाद में दो शंपे रखते हैं। देखिए मेरा कहना है शशि थरूर के बयान का समर्थन करना खुद अपमान है, मैंने अपमान नहीं करा, चुप है, सुनिए आप सुन आ रहे निंदा का सुन लीजिए, लेकिन सुनिए निंदा मैं निंदा का मेरा उसके साथ साथ उन लोगों पर भी है जिन्होंने चार साल पाकिस्तान को गाली बकने के बावजूद सबसे करीबी देश का दर्जा आज तक दे रखा है, और सीमेंट और चीनी मंगा मंगा के हमको खिला रहा है, हमारी शुगर बढ़ा रहे हैं पाकिस्तानी चीनी से, इस पर भी तो कुछ बोल दे। मौलाना ने खरी खरी कह दी भाई, मौलाना ने तो खरी खरी कह दी। क्या है ना, जो ताजमहल है प्रेम का प्रतीक है, पर जब तक भाजपा के अंदर इस देश की जनता के लिए, युवाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, भाजपा के नेताओं के अंदर प्रेम नहीं जागेगा, तब तक इस प्रेम की जो निशानी है ताजमहल,
मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग हैं। हमारे देश में मस्जिद मंदिर से रिलेटेड बात होती है, हमारे देश में गरीबी से रिलेटेड बात क्यों नहीं होती है, जो आपका इन चीजों से रिलेटेड बात क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती? सवाल ये बात है ना, ऑफकोर्स ऑफकोर्स, गैस से ना, गैस से बहस नहीं, गैस से बहस नहीं, गैस से बहस नहीं होगी। जी जी, इधर से कौन बोल रहा था? जा, हाँ बाबू, हाँ बाबू, मैं आगरा तहसील बास से हूँ। जितना अरे आगरा, आगरा के बाद सुन लो, ये सब ताजमहल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो वहाँ के वर्तमान में सांसद चुने हुए हैं, रामशंकर कटेरिया है, बाबूलाल चौधरी है जो फतेहपुर सीकरी से, उनने अपने क्षेत्रों में विकास नहीं किया है, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे बुलाएं और उनसे सवाल जवाब करें तो वो उत्तर देंगे कि आगरा की स्थिति क्या है। तो इसके लिए आगरा ही चलना पड़ेगा, आगरा क्योंकि वो होते हैं, होते हैं, लेकिन प्रवक्ता का पद किसी और के पास होता है, मजबूरी यही है। उनको आप आवेदन दीजिए, बुलाइए, पार्टी के प्रवक्ताओं को अपग्रेड होके आना पड़ेगा। आज अरे मैं आ रहा हूँ, हमने सुनी, उनको बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। उनके क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, तहसीलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रधान हेडपंप के 10,000 रुपए ले रहे हैं। मैं वहीं से आया हूँ, हर गांव के अंदर प्रधान, जो प्रधान के नीचे ग्राम सेवक होता है, किसी भी ग्राम के जैसे आवास पास हुआ 8,000 दो, 10,000 दो, तब हेडपंप लग रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार में क्या तो हो रहा है? तुमने कह दी, तुमने सब तो कह दिया, बचा क्या इसमें भाई? सवाल तो यही है कि आखिर ग्राउंड रियलिटीज क्या है। बहस 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 आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार की तैयारी, फिर लौटेंगे कल, होगी बात।